कौन से पे जाना है? तो ग्राउंड है, एलपी होगा, एलपी नहीं होगा भाई, सी होगा फिर। ये लिफ्ट है गाजियाबाद की और हम लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि इस लिफ्ट का सिस्टम थोड़ा अलग है और हमें पता भी नहीं है कि कौन सा बटन प्रेस करने से कहां जाएगी। एलपी मतलब लोअर, शायद पार्किंग में ना चली जाए। हाँ हो सकता है, पार्किंग कहाँ से आ जाएगी इसके नीचे पता नहीं, ये भी है। चलो देखते हैं, हमारे बिल्कुल नई जगह रैपिड मेट्रो गाजियाबाद की। तो ये है गाजियाबाद की रैपिडो मेट्रो, योगी बाबा का काम। फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए और इतना अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा मेट्रो स्टेशन आज तक नहीं देखा हमने और इतना बढ़िया लग रहा है। सारी चीजें वर्ल्ड क्लास है और टिकट सिस्टम तो सबसे बेस्ट है। यहाँ पे यूपीआई से और कार्ड वगैरह से भी आप पेमेंट कर सकते हो, बट जो दिल्ली की डीएमआरसी है वहाँ पे आप सीधा कैश या तो अपने फोन से टिकट ले लो। यहाँ पे ये कुछ नहीं है, तो बहुत अच्छा कुछ बड़ी जगह है। नॉर्मल दिल्ली के मेट्रो से बहुत बड़ी जगह, एक हॉल टाइप, हमें लग रहा है कि हम जैसे एयरपोर्ट पे आ गए हैं। और ये एलिवेटर, एलिवेटर भी ऐसा लग रहा है किसी दिल्ली के किसी गुड़गांव के बहुत बड़े मॉल में आ गए। बहुत अच्छा लग रहा है, काफी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हैं और यहाँ के जो डेकोरेशन पेंट कर रखा है सारी चीजें, लाइटें वाइटें बहुत बड़ी हैं, अच्छा लग रहा है। काफी साफ सफाई भी है, पूरा चमक रहा है। मेट्रो स्टेशन नया है इसीलिए चमक रहा है शायद, बाकी धीरे धीरे करके यहाँ पे जब लोगों का और आना जाना हो जाएगा, जब मेट्रो जो ये पे यहाँ पे हमारे आसपास मेरठ सिटी है, मेरठ सिटी जब बस जाएगी धीरे धीरे करके तो इसका चाल चलन और बढ़ जाएगा, यहाँ पे भीड़ आने लग जाएगी धीरे धीरे करके। अभी तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा भीड़ है नहीं, खाली पड़ा हुआ पूरा मेट्रो स्टेशन। जैसा कि देख सकते हैं पूरी भीड़ खाली है, हम लोग बस दो लोग हैं इधर, सफाई वाले बंदे भी नहीं। और ये है यहाँ का रैपिड स्टेशन, रैपिड मेट्रो स्टेशन। किधर हमें उधर जाना है, नीचे से नहीं। अच्छा बन रही है ना वीडियो, बन रही है। बस इसी पे उतरना रोहित, ध्यान रखिए। हाँ ठीक है, इसी पे उतरे हैं। इनके नाम भी अलग है, AO6 एक प्रॉपर कोड दिया गया स्टेशन को, AO6 A07 जो भी। और आप यहाँ से ये देखो कि ये हमारी जो जंगपुरा है यहाँ से कनेक्ट होगी, पिंक लाइन से कनेक्ट होगी। यहाँ का स्टेशन गाजियाबाद रैपिड मेट्रो खाली खाली। और ये NCRTC का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगा मेरे को, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। काफी अच्छा मेट्रो स्टेशन बना रखा है इन्होंने। और अभी मेट्रो का यहाँ पे करीब करीब 15-15 मिनट का गैप है मेट्रो में। अभी हमारी मेट्रो एक ही मेट्रो की है, शुरुआत अच्छी है, आगे देखते क्या होता है। तो हम वो लोग काफी देर से इस वाले पे खड़े हैं जो कि ऐसा कि हम कह सकते हैं, एक सेकंड मेरे को दिखा। देखो अभी हमसे ना एक बड़ी मिस्टेक होगी, हम फर्स्ट टाइम तो आए हैं यहाँ पे और मिस्टेक ये हुई है कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मिस्टेक है। हम बेसिकली यहाँ खड़े थे और यहाँ देखो यहाँ पे लाइन ही नहीं है, मतलब है कि बट इस पर ट्रेन नहीं चल रही, अभी वर्किंग नहीं है और हम वेट करें कि अब मेट्रो आएगी और हमारी मेट्रो वहाँ खड़ी है। अब हम नीचे जा रहे हैं, वापस से नीचे जाएंगे, प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे, वहां से मेट्रो पिक करेंगे अपनी। काफी नई जगह है, गलती होती रहती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बार गलती करी है हमने और वो हमेशा हमें याद रहेगी, अब परमानेंटली याद रहेगी। और टिकट हमने स्टैंडर्ड का ही है, गरीब लोग हैं अंदर। आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करो, फॉलो वॉलो बढ़े हमारे, पैसा वैसा आए तो प्रीमियम क्लास का हम थोड़ा मजा ले। तो बेसिकली यहाँ गाजियाबाद की मेट्रो में दो स्लॉट बनाए गए, क्या स्टैंडर्ड वाले और एक लग्जरी वाला है। जैसे कि हम देख सकते हैं वो आगे वाला जो एक एंट्री डाल रखी है वो हमारा है लग्जरी लॉन्च के लिए। लग्जरी में सीट मिल रही है उनको, हमने ली है स्टैंड वाली, देखते हैं उसमें आप अपने को खड़े हो जाना पड़ेगा। इसमें भी होगी बट इसमें कंफर्ट थोड़ा सा कम होगा और देखते हैं क्या पता है, बस की तरह खड़े होकर जाना पड़े, देखते हैं। वैसे बहुत स्पेस है, इतनी भीड़ है नहीं तो स्पेस मिल जाएगा हमें आराम से। और नॉइस आ रही होगी, आई नो अवॉइड करना पीछे ठुका ठुका। आईफोन तो है नहीं भाई, गरीब लोग है क्या करें, नॉइस तो आएगी, ठुका पिट्टी चल रही है। गाजियाबाद मेट्रो, अच्छा है इंटीरियर इनका, थोड़ा दिल्ली मेट्रो तो ठीक है, इंटीरियर में चेंज है। ये देखो मैं आ रहा हूँ RRTS में रोहित ब्रो के साथ और ये हम RRTS के मजे ले रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है, पहला एक्सपीरियंस था आज, पहले एक्सपीरियंस में हमें बहुत अच्छा लग रहा है।
रोहित भाई के साथ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है। यहाँ की सीटें बहुत अच्छी हैं, कंफर्ट बहुत अच्छा है। शायद मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, मैं क्लोज आऊँगा तो मेरा चेहरा ज़्यादा दिखता है, आवाज़ नहीं आती। ये तो पंगा। ये है गाजियाबाद मेट्रो, रैपिड मेट्रो का इंटीरियर, काफी सही सोफे। हम आ गए हैं दुहाई डिपो पे, डिपो पे नहीं दुहाई पे आए हैं। यहाँ पे ना एक चीज बहुत बढ़िया है, आपको अगर उतरना है ना तो यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा, गेट खुल जाएगा तब आप उतरो। यहाँ इसमें ना दिल्ली मेट्रो की तरह नहीं है कि सारे गेट एक साथ खुलेगा, सारे एक साथ ही बंद होंगे, आपकी मर्जी। और आपको इंडिकेट करता रहेगा कब बाहर वाला गेट बंद होगा, कब अंदर वाला गेट बंद होगा, वो आपको सब बता रहेगा। हमें इस साइड उतरना है, गलत कर रहे हैं, सॉरी गाइस, रिकॉर्ड हो रहा होगा गाइस, सॉरी, हम अपोजिट साइड खड़े थे गाइस। नया एक्सपीरियंस है, कोई बात नहीं। बाकी अभी यहाँ से अपन ये जब सेंसर यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे प्रेस करेंगे तभी गेट खुल जाएगा यहाँ का, बाहर का पहले खुल जाए ना, पहले फिर ट्राई करते हैं। हाँ तो ऐसा कुछ सीन है, ये सीन लाया गया जैसे दिल्ली मेट्रो में देखा है, हाथ से होते रहते हैं लोग, ये थे फंस फंस के गिरते रहते हैं, तो उस बार सीजन का अच्छा एक्टिवेशन किया गया है, बटन लगा के आप प्रॉपर गेट खोल सकते हो और अपना आपको सेव कर सकते हो। और काफी अच्छी वॉइस आती है जब बटन प्रेस करने, कटक की आवाज आती है बहुत ना, अच्छा सा फील होता है। तो अब एग्जिट लेना टाइम है और हमारे दोस्त भाई बंधु हमारे लेने आ रहे हैं हमको, तो उनका वेट करते हैं, तब तक कुछ खाएंगे।